Hey guys, welcome back to a new video. और आज की वीडियो होने वाली है कि यहाँ पे रहने का खर्चा कितना आता है पर मंथ का, जो रहते हैं वो कितना खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट जो बताते हैं बोलते कि 5,000 में हो जाएगा, $100 लगेंगे तुम्हारे, इतने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सब, तुम्हें ये करते कि तुम जाओ वहाँ पे बस, इसलिए उनका एक मोटिव रहता है। यहाँ पे रहने का खर्चा टोटल, यहाँ पे रहना खाना और फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है रोटी कपड़ा मकान ये एक बेसिक नीड्स है। रोटी कपड़ा और मकान, कितना खर्चा आता है इन तीनों में बताते हैं आज। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे रहने का। पहला पॉइंट रहने का, ये डिपेंड करता है कि तुम हॉस्टल में रह रहे हो कि या फ्लैट में रह रहे हो, क्योंकि हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो तुम्हें 60,000 पर ईयर देना पड़ता है, जो कि 5,000 के आसपास आ जाता है पर मंथ का। तो उसके बाद बस तुम्हारा खाने की टेंशन है। लेकिन अब जैसे मैं फ्लैट में रहता हूँ तो उसका खर्चा वेरी करता है, 6,000 से 7,000 के आसपास आ जाता है, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो 3 लोग रहते हैं उसमें, और उसमें 18,000 तक का उसका बिल आ जाता है। तो ये लक के ऊपर भी है कि कभी सस्ता मिल जाए कभी महंगा मिल जाए, लेकिन 6 से 7 मान के चलो फ्लैट का। तो फ्लैट मेरा यहीं पे पास में ही था, तो इसलिए यहाँ पे आज एक पार्क मतलब अच्छा दिखने में है, और यहाँ पे एक चर्च भी है। चर्च में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी मौका मिले तो अंदर जाके दिखाएंगे इसमें भी, चर्च में बहुत ही खूबसूरत चर्च है अंदर से, ये एक बार गया था मैं। तो यहाँ पे शाम के टाइम सब पार्क जो आसपास की बिल्डिंग है वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बच्चे खेलने हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब खूबसूरत बनाया है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे खाने का खर्चा कितना आता है। तो पहला, सबसे पहले तो ग्रोसरी है, घर का जो सामान आता है वो 6 से 7 हज़ार में भी तुम करा सकते हो काम, मतलब 6-7 हज़ार लग ही जाते हैं मिनिमम, तो 5 में भी हो जाता है लोगों का, लेकिन 6-7 मेरा होता है। और अगर बाहर खाते हो तो वेरी करता है, तुम बाहर हर रोज़ जा रहे हो, बाहर एवरी नाइट का तुम नाइट आउट कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है, 4 से 5 हज़ार भी, कितना भी लग सकता है वो डिपेंड करता है, लेकिन वो अपना तुम सेव कर सकते हो यहाँ पे ना, बाहर खा के घर पे बनाओ, तो वही मैं प्रीफर करूँगा। तो यही है, टोटल मिला के मेरा 10 से 11 हज़ार आ जाता है खाने का। ये पार्क नया बनाया अभी फ्लैट के पीछे ही है, और चर्च भी है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे टेबल में यहाँ पे चार्जिंग कोड भी दी हुई है, मतलब यहाँ पे लगा सकते हो तुम, और चेस भी है, लेकिन चेस के लिए अपना घर से लाना पड़ेगा, जो भी है घोड़े हाथी जो भी है घर से लाओ, खेल यहाँ पे सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे टैक्सी भी है, यहाँ पे ट्रेन भी है और बस भी है, जो एक कार्ड मिलता है इस तरह का, ये स्टूडेंट कार्ड रहता है ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टूडेंट कार्ड रहता है। इसमें ट्रॉली बस ही है और अफ्तबस एसी है, और ट्रेन भी ऐसी दिखती है। तो अभी क्या है, इसमें 1,050 का जो है ट्रॉली बस और ट्रेन पे कराते हैं, मैक्सिमम उन्हीं से काम हो जाता है 1,050 पे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही अमीर है या कुछ हर जगह ही जाना चाहता है तो उसमें अफ्तबस भी ऐड करा सकते हैं, वो 1,600 के आसपास पड़ता है। तो ये हो जाता है मतलब ये ट्रैम का और इसका मिला के 1,050 का। लेकिन अभी टैक्सी का आता है, अगर तुम बिल्कुल भी टैक्सी यूज़ नहीं करते हो तो मतलब ये खर्चा आएगा 1,050 का ही। लेकिन अगर हम अभी टैक्सी करनी पड़ जाती, कभी कभी लेट उठते और सुबह के टाइम पे टैक्सी करनी पड़े तो उसे टैक्सी का भाड़ा आ जाता है, लेकिन टैक्सी करनी ही पड़ती है क्योंकि रात को 10 बजे तक चलती है यहाँ पे ट्रेन और ट्रॉली बस, तो उसके बाद तुम्हें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है तो टैक्सी करनी पड़ेगी, और उसका सब मिला के 3,000 के आसपास आ जाता है खर्चा ट्रांसपोर्ट का। 2,500 या डिपेंड करता है तुम टैक्सी कितने इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एक टैक्सी 100 से तो कम नहीं होती जल्दी। तो यही था ट्रांसपोर्ट का। तभी टोटल खर्चा अगर देखा जाए तो 11,000 तो आ गया खाने का, आ गया था शुरू में जो कैलकुलेट किया था, क्योंकि उसमें 6,000 ग्रोसरी और 4,000 बाहर का खाना आता है, और फिर दूसरे पे आता है हमारा रहने का 6 से 7 हज़ार, वो आ जाता है। तो ये बैठ गया 18,000 के आसपास, 17-18 के आसपास, और 2 से 3 हज़ार के आसपास ये मेरा ट्रांसपोर्ट का आ जाता है। तो ये 19-20 हज़ार मेरा पर मंथ आ ही जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट पे, क्योंकि कुछ लोग बाहर नहीं खाना चाहते तो अपना सेव कर सकते हो, पैसा सेव कर सकते हो, टैक्सी ना यूज़ करके तुम ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, तो उसमें तुम अपना 10 से 12 हज़ार भी ले सकते हो, पर मंथ आ सकता है। लेकिन ये होता है बिल्कुल लोअर पे जाके, अगर देखो तुम 3 कैटेगरी में बांटो आदमी को, तो एक होता है लोअर, मिडिल और अपर पे। तो जो लोअर पे रहेंगे तो वो मतलब बाहर नहीं खा सकते, खाते नहीं ज़्यादा और टैक्सी नहीं यूज़ कर सकते, उस पर तुम 10 से 12 हज़ार में अपना गुजारा कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अपना करूँ तो मैं टैक्सी भी यूज़ करता हूँ, बाहर भी खाता हूँ, तो उसमें 20,000 के आसपास आ जाता है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं रेस्टोरेंट में जाके पार्टी वार्टी भी करनी पड़ती है और दोस्तों के साथ में घूमना ज़्यादा, तो उसमें 20 से 30 हज़ार के आसपास भी आ जाता है खर्चा। तो ये परसेंट टू परसेंट वेरी है,
ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्ट इतना होता है, लेकिन बचा सकते हो 10,000 पे भी आ सकता है तुम्हारा खर्चा पर मंथ, 5,000 रहने का और 5,000 तुम्हारा खाने का, घर का, ग्रोसरी का जो रहता है, यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी मेरी तो जाके देखो, क्योंकि इसमें सब डिफाइन किया है मैंने कि कितना खर्चा आता है टोटल MBBS में, और वो जाके देखो। और ये वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोलना है?